क्या इस वक्त रूस को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है? और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों है? क्योंकि हाल ही में यह कहा जा रहा था कि रूस चीन के काफी करीब आ गया है, लेकिन एक खबर ने इस पर विराम लगा दिया कि रूस चीन के करीब जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। रूस ने हाल ही में भारतीय सेना को इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के पहले बैच की आपूर्ति कर दी है। इसे चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाना है। इस सौदे ने उन खबरों पर विराम लगा दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पुतिन भारत के बजाय चीन के ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। हालांकि इस बात को बार बार कहा जाता रहा है कि रूस के लिए चीन भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब अमेरिका के साथ भारत के संबंध कई गुना मजबूत हुए तो क्या रूस का कनेक्शन भारत के साथ कम हुआ है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है जिसका जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि रूस ने इस बात के संकेत दिए हैं कि चीन के साथ नजदीकी किसी भी तरह से भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों में रूस ने कोई शर्त नहीं रखी है। दरअसल रूस जब कई देशों के साथ संबंध बनाता है या दोस्ती रखता है तो शर्त रखता है, लेकिन भारत के साथ रूस ने कोई शर्त नहीं रखी। जैसे अमेरिका किसी देश से दोस्ती करता है तो शर्त रखता है, यानी अमेरिका किसी देश से दोस्ती करके अगर उसे हथियार देता है तो हथियारों का कैसा उपयोग करना है, कब उपयोग करना है और किसके खिलाफ आप उपयोग नहीं कर सकते, ऐसी शर्तें लगती हैं। लेकिन रूस ऐसा भारत के साथ कभी नहीं करता और आज तक चीन से बढ़ती नजदीकियों के बावजूद रूस ने कभी नहीं कहा कि उसके दिए गए हथियारों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ भारत नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस से भारत में आए, 120 लॉन्चरों और 400 मिसाइलों के सौदे के तहत आए। ये सिस्टम भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है, खासतौर पर उत्तर और उत्तर पूर्व में LAC पर यानी चीन सीमा पर यह कंधे से फायर किए जाने वाला एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसे अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कम उड़ान वाले विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों को भी पहचान सकता है, जिसके बाद क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। यानी इतना आधुनिक हथियार चीन सीमा पर तैनात है जो रूस से लिया गया है, लेकिन रूस ने आज तक भारत को चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोका। इतना ही नहीं, भारत ने रूस से खरीदे गए अपने 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रनों को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया हुआ है। इसकी 2 और स्क्वाड्रन को रूस अगले साल डिलीवर कर सकता है। इस डिलीवरी में देरी का कारण रूस यूक्रेन युद्ध को बताया गया, लेकिन जल्द से जल्द रूस इसे भारत को देगा। वहीं इस समय रूस और भारत मिलकर हथियार बना रहे हैं जिसमें SU-30 MKI लड़ाकू विमान और T-90 टैंक है, साथ ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और AK-203 राइफलों को भी साथ मिलकर बनाया जा रहा है। रूसी कंपनियां अब मेक इन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं ताकि भारत के साथ मिलकर हथियारों का निर्माण किया जा सके। इससे समझा जा सकता है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है। यहां तक कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के चीन के करीब आने के बावजूद रूस ने भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए रखे और इन्हीं संबंधों की वजह से माना जा रहा है कि 2023-24 में रूस और भारत का व्यापार $50 बिलियन को पार कर जाएगा, क्योंकि रूस युद्ध के बाद भारत को कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस उभरा है। वहीं रूस भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है जिसमें से 2 पहले ही चालू हो चुके हैं और अन्य 2 पूरे होने वाले हैं। वहीं भारत और रूस दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अलावा भारत ने साइबेरिया और यहां तक कि उत्तरी रूस में रूस के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारी निवेश किया है, जिससे भारत के संबंध रूस के साथ और मजबूत हुए हैं। और ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल के महीनों में लगातार बताते रहे हैं कि किस तरीके से रूस और भारत के संबंध प्रगाढ़ यानी मजबूत हो रहे हैं। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि भारत हमेशा चीन की तुलना में रूस के लिए कहीं अधिक पसंदीदा भागीदार क्यों है और रूस चीन के मुकाबले भारत को ज्यादा पसंद क्यों करता है। तो इसका जवाब है कि चीन की काट के लिए रूस को भारत की जरूरत है। रूस की जनसंख्या में लगातार गिरावट हो रही है।
कई रूसी जानकारों को डर है कि साइबेरिया और पूर्व में जल्द ही प्रवासी चीनी मजदूरों का कब्जा हो जाएगा। ये डर वास्तविक है क्योंकि चीनी इतिहास को जो भी जानता है वो आसानी से समझ सकता है कि कैसे चीन किसी देश में पहले अपने मजदूरों को भेजता है, उसके बाद धीरे धीरे उस देश में अपनी विस्तारवादी नीति को अपना कर उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और यही रूस नहीं चाहता क्योंकि इस समय तो चीन के संबंध रूस के साथ बेहतर है, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि रूस के साथ चीन के संबंध हमेशा खराब ही रहे हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि कई बार चीन के साथ रूस की दोस्ती हुई, लेकिन चीन के साथ रूस की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 1894 में किंग राजवंश और 1945 में चीन गणराज्य, 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दौरान रूस और चीन के संबंध लंबे समय तक नहीं चल सके। यहां तक कि फरवरी 1950 में मित्रता को लेकर एक संधि भी हुई, लेकिन वो चीन सोवियत संधि भी रूस को 1969 में चीन के साथ युद्ध लड़ने से नहीं रोक सकी। यानी इतिहास गवाह रहा है कि चीन के साथ रूस के संबंध बेहतर नहीं रहे हैं जो इतिहास के पन्ने बताते हैं। इसलिए रूस कभी भी चीन पर भरोसा नहीं करता, जबकि भारत पर रूस आंख मूंदकर भरोसा करता है। और चीन की वजह से ही रूस हमेशा भारत के नजदीक रहता है, क्योंकि चीन पर रूस तो क्या कोई भी देश भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत पर सभी देश भरोसा करते हैं। और रूस को इस वक्त सच्चे दोस्तों की जरूरत है जो कि भारत है। इसलिए रूस को भारत की जरूरत है और आगे भी रहेगी, क्योंकि रूस ये जानता है कि भारत कभी भी रूस की पीठ में छुरा नहीं घोपेगा, लेकिन चीन ऐसा कर सकता है। इसलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।